प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खेलों के क्षेत्र में भारत को सुपर पावर बनाना चाहते हैं और उसके लिए टॉप्स जैसी योजनाओं की शुरुआत की, जहां खिलाड़ियों के लिए रहने खाने का ट्रेनिंग का सारा खर्चा भारत सरकार उठाती है, खेलो इंडिया अकेडमीज की शुरुआत की, खेलो इंडिया अभियान की शुरुआत की जिसके लिए 3200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स और विंटर गेम्स का आयोजन होता है, 15,000 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं और अब प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के लिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण कराने की मंजूरी दी है और आज उसका मैस्कट, लोगो, मशाल, जर्सी और सॉन्ग लॉन्च किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसको लॉन्च किया है और मोदी जी और योगी जी के प्रदेश में इसका आज तक का सबसे भव्य आयोजन, 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज, 5,000 के लगभग खिलाड़ी और 21 खेलों को अलग अलग उनका आयोजन किया जाएगा। ये भव्य आयोजन 25 मई से 3 जून तक चलेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है जैसे पूर्व में कई रिकॉर्ड टूटे हैं, उत्तर प्रदेश की धरती पर भी कई नेशनल रिकॉर्ड टूटेंगे और कई उभरते हुए खिलाड़ी हमें मिलेंगे, तलाशेंगे भी और फिर तराशेंगे भी। मोदी जी कहते हैं खेलोगे तो खिलोगे, वो भी होगा और तलाशने और फिर तराशने का काम भी होगा। ठीक है, और कुछ पूछना तो नहीं किसी को? दिल्ली के जंतर मंतर में सर अभी भी जो कुश्ती खिलाड़ी हैं वो अभी भी सर धरने पे बैठे हुए हैं, अब तो प्रधान ने भी सर नीचे कर लो, आईडी नीचे कर लो भाई, धोरी थी। मोदी सरकार ने सदा खेल और खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी है और तभी खेलों के क्षेत्र में भारत लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहा है। वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 4-4 गोल्ड मेडल जीते हैं, चैंपियन बनी है। हमने बैडमिंटन से लेकर अन्य खेलों में यूथ गेम्स में शानदार प्रदर्शन किया है और ये हालिया प्रदर्शन की मैं बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश की शैली सिंह को, उनका प्रदर्शन भी लॉन्ग जंप में देखिए। ये सारा शानदार काम क्योंकि खेलों में बजट को बढ़ाया गया, 964 करोड़ से बढ़ाकर 3397 करोड़ रुपया कर दिया गया और एक एक खिलाड़ी के ऊपर, कईयों के ऊपर 2.5 करोड़, कईयों के ऊपर 3 करोड़, किसी के ऊपर 2 करोड़, ऐसे करके खर्च किए गए। जहां तक खिलाड़ियों के मांगों का सवाल है, मैं यही कहूंगा निष्पक्ष चुनाव की बात कही थी, आईओए वो भी करवाने वाला है, एक कमेटी के गठन करने की बात कही थी वो भी कर दी गई है, FIR दर्ज करने की बात कही गई दिल्ली पुलिस ने वो भी कर दी, निष्पक्ष जांच चाहते थे दिल्ली पुलिस वो भी कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्णय दे दिया है। मेरा आग्रह सभी जो कुछ खिलाड़ी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि जो जो उनकी मांगें थी लगातार उनको पूरा किया गया है, कोर्ट ने भी अपना निर्णय दिया है और वो निष्पक्ष जांच को पूरा होने दें और दूध का दूध पानी का पानी और कड़ी कार्रवाई जो भी होगा वो करने का काम दिल्ली पुलिस करेगी कानून के तहत।